नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण इम्रान कॉलनी या ठिकाणी इकरा शाळेमध्ये आलेलं आहे। इकरा शाळेत एक मुलांना ऑटो चालकांनी सोडलं होतं। शाळाची लापरवाही कशा पद्धतीने आहे आपण पाहू शकता। शाळेत मुलांना सोडल्यानंतर हा मुला गुम झालेला आहे आणि त्या मुलांना सकाळी 7 वाजता त्यांना शाळेमध्ये सोडले होते, परंतु 3 वाजता ते मुलं सापडलेले आहेत। आज त्याचे वडील आहेत आणि ऑटो चालक आपल्यासोबत आहे। तर कशा पद्धतीने इथे शाळांवाल्यांची मनमानी आहे ते सुद्धा आपण ऐकणार आहे। सुबह में तुम आए थे? हम आए थे और तो हमें भाई पाइजे लेना, हमें भाई को हमने हाथ पकड़ के उसको ना उनके क्लास में बिठा के समझा के बाद में हमारे नजम का टाइम होगा बोल के हम हमारे नजम में आ गए। तुम कौन से स्कूल में? हम यही स्कूल में। तो आपने जब छोड़े भाई को तो जब टीचर थे क्या? नहीं, कोई भी नहीं था। नो, कितने बजे की बात है? 7 या 7:30 बजे की बात है। तो वो कोई भी नहीं था? आप वो क्लास में खाली एक सिर्फ छोटी सी की लड़की थी और वो हमारा भाई फाजिल था और हमने उनको बहुत समझाए थे कि जगह से मत उठिए, तो ना फिर भी उठे। वो आपको नहीं मालूम चलेगा? नहीं मालूम, हमें नजम होते ही हम ऊपर चले गए हमें क्लास में बाद में। फिर हमारे खाने के टाइम पे इंटरवल होते ही हम नीचे फाजिल के कने हमें भाई के कने गए खाना खाने के। नहीं, उन्हें दिखे ही नहीं। टीचर बोले कि नहीं है, नहीं है। किस टीचर कब आती है? नहीं पता, 7:30 है। तो पहला स्कूल आपका दिन पहला था आज का? नो, बूथ से आ रहे। भाई का पहला था? हाँ, भाई का पहला दिन था। आज तो टीचर्स की बहुत लापरवाही हो गई। अगर टीचर सही गेट लगाते थे, हमारे बच्चे को देखते थे, तो 4 साल का बच्चा इतना परेशान नहीं होता था। सुबह 7:45 से तो 2:30 बजे तक हमारा बच्चा परेशान था। बाहर दूसरे स्कूलों में था, ऐलान करने से मिला सुन। तो आप बिंदास होके ऑटो में भेज देते हमेशा बच्चों को? लोग भी भेजते, तो वो बच्चा स्कूल में गया बोल के बेफिक्र होके आप बैठते थे? हाँ, क्योंकि ऑटो वाले मामा हमारे हमेशा 20 साल के है। हर बच्चा उनके पास पड़े आए वाले उनके साथ, छोटे से बड़े उनके ही ऑटो में आले हैं। और हमारी एक भतीजी, हमने उनके साथ बच्चे को भेजी, क्लास में बिठाए इन्होंने, उसके बाद टीचर्स ने नहीं देखे बच्चे को। इनकी लापरवाही है, टीचर्स की लापरवाही की वजह से हुआ। जो कि एडमिशन हुए हुआ था, फीस भर दी हुई थी। नहीं, अभी एडमिशन हुई वाला था, लॉकडाउन ही था, अभी 1 महीने से स्कूल चालू हुई है। और टीचर्स भी ज़्यादा नहीं आ रहे थे, बच्चे नहीं आए थे, तो हमने अभी 1 महीने के बाद अब भेजे। आज का फर्स्ट दिन था बच्चे का। मैं 7:25 को बच्चे को बाहर का बाहर छोड़ के चलेगा सर। छोड़ के यहाँ कोई आदमी था कि नहीं लेने के लिए? नहीं, उनकी बच्ची बहन थी, बच्चे की उनकी फुफेरी बहन थी। स्कूल के जिम्मेदार कहाँ सर? गेट पे रहते अंदर। उन्होंने मैं बाहर से छोड़ के गया उनको, गेट के बाहर छोड़ के। किस था? एक बच्ची थी, एक बच्चा था जी। स्कूल का कोई नुमाइंदा नहीं था? स्कूल का नुमाइंदा अंदर रहते सर यहाँ पे। पहली बार ऐसा हुआ हमेशा घूमते बच्चे? नहीं, पहली बार हुआ ऐसा, फर्स्ट टाइम। यहाँ पर बाहर भी कैमरा रहना है? सीसीटीवी पूरे कमरे वही चेक करने के बाद में मालूम है कि बच्चा बाहर है। पहली बार ऐसा हुआ आपके सामने? आप ऑटो स्कूल का चलाते? हाँ, स्कूल का चलाते। घटना पहली बार? पहली बार, उसमें 25 साल से चलाते तो पहली बार उसमें ऐसा। इसमें ऐसा नहीं लगता कि स्कूल का आप तो घर से लेकर आए थी जी, माँ बाप के सामने से जी, स्कूल के हैंडवर स्कूल के लोग बच्चों को अंदर लेना? वो सा तो नहीं होना सर रास्ता का सर। बच्चे कहाँ छोड़ते थे आप? बच्चे अंदर ही छोड़ते थे सर, गेट के बाहर हमेशा छोड़ते थे। आज कहाँ छोड़े? आज भी वहीं छोड़े अंदर। क्या नाम था? मोहम्मद फाजिल। मेरा नाम अब्दुल अलीम है जी। बच्चे को सवेरे 7 बजे स्कूल छोड़े, बच्चा अंदर आया, क्लास में बैठा, फिर बाहर गया और गेट से बाहर चला गया। तो ये इंतज़ाम यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि बच्चे को जो है तो अंदर लेने के बाद गेट को ताला मार दिए और बच्चे को जो है तो अपने इसमें रख दिए, समझो अपने जो भी दायरा है उसके अंदर उसको सेफ रख दिए। लेकिन बच्चा निकल के बाहर चला गया थी, सुबह 8 बजे से गया वो, और वो मिल्लत नगर के गलियों में जाके वहाँ उमर फारूक स्कूल में वहाँ पे समझो मिला वो लोगों को, वो लोगों ने उसको खिलाए पिलाए और वहाँ पे जो है तो 3 बजे तक रखे उन्होंने। बच्चा कितने साल का था? स्कूल बालवाड़ी में था क्या? नहीं नहीं, एल के जी में है। हाँ, यूनिफॉर्म नहीं था? यूनिफॉर्म नहीं था। आज पहला दिन था बच्चे का, वो हिसाब से आज वैसे भेज दिए थे आज। तो इससे पहले जब आपने दाखिला कबूल करेगा बच्चे का? दाखिला करने के बाद लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन की वजह से स्कूल भेजे नहीं। अब जो है तो अब ये बच्चों का चालू हो गया, छोटे बच्चों का, उस वजह से आज पहला दिन था समझो बच्चे का। जिस तरीके से लापरवाही है तो यहाँ पर
कैसी आपको ढूंढने के लिए मशक्कत करना पड़ी? बहुत मशक्कत, पूरे आजू बाजू पूरा चारों तरफ खाली गाड़ियों से जो है तो ढूंढना पड़ा बस। ये लोगों ने स्कूल के प्रशासन ये इन्हों खाली समझो कैमरे चेक करके जो है तो इधर गया उधर गया, उसमें 2 घंटे लगा दिए कैमरे चेक करने में खाली, फिर भी अभी पता नहीं चल रहा था कि भाई बच्चा इधर गया या उधर गया, उत्तर में गया या दक्षिण में गया, कुछ ही पता नहीं चला। हमारा जो है तो खाली स्ट्रगल करके ढूंढ लिए समझो। ऑटो वालों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई थी? ऑटो वालों ने छोड़ के चला गए थे? नहीं नहीं, ऑटो वालों ने अंदर छोड़ के चले गए थे, अंदर दायरे में स्कूल के दायरे में अंदर छोड़ के चले गए ऑटो वालों ने, लेकिन यहाँ पे कोई स्टॉप में समझो कभी गली वगैरह घर मालूम था कहीं? नहीं 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 मालूम था, नहीं मालूम, नहीं नहीं मालूम था, छोटा बच्चा है, हाँ पहली बार इसे ना। ये स्कूल की लापरवाही है, इसके अंदर ये भी सुनने में आता पैसे भी लगते हैं। पैसे तो बहुत, अभी लॉकडाउन में पढ़ाई कुछ भी नहीं है लेकिन पैसे चालू छे। बच्चा जब लॉकडाउन में तुम्हारे मोबाइल में पढ़ा? नहीं 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 कुछ भी नहीं, बच्चा छोटा बच्चा उसको क्या मोबाइल में पढ़ने को आएगा, उसको कुछ भी पढ़े नहीं होना। हाँ जब पैसे लगे? हाँ पैसे तो चालू छे उनको पैसे, हाँ जब से। अभी क्या बोलना है प्रशासन इनका? अभी जो है तो अभी इनकी लापरवाही ये जो भी है समझो, बच्चे अंदर आने के बाद उनको जो है तो उनके पीछे काला को रख देना, जो भी उनके गाइड जो है या टीचर ने जो है तो ध्यान देना कि बच्चा कौन सा जो है तो क्लासरूम में से बाहर जा रहा, ये इनको देखना चाहिए ना, इनको ऐसे ही छोड़ देना बोले तो मुनासिब बात नहीं है ना। हमारे बच्चे पैदा करके समझो ऐसा घूमते रहेंगे तो फिर कैसा? अच्छा हुआ कोई लेके चलेगा, अगर कोई किडनैप कर लिया या कोई उठा के लेके चलेगा तो वो तो परेशानी की बात थी ना। विद्यार्थी जे हरवलं होतं सकाळी 7 वाजता हरवलं होतं, दुपारी 3 वाजता ते सापडलेलं आहे, हे आपल्यासोबत मुलं आहेत ते सुद्धा आपण बघणार आहे। ते मुलगा LKG मध्ये होतं आणि त्या मुलगा हरवलं होतं, ते नंतर नातेवाईकांनी त्याच्या आई वडिलांनी त्याला शोध केलं आणि ते 3 वाजता मिळालेला हे मुलगा आहेत, पाहू शकता आपण। काय गेते मग तू? हाँ? हाँ? थे सुबह में पैदल पैदल किधर गए थे? उधर दूसरे स्कूल में गए थे। कोई दूसरे स्कूल में? यहाँ पे नहीं थे कोई बिठाने वाले, यहाँ पे कोई रुकाई नहीं तुम्हारे? हाँ कोई आके तुम्हारे पूछे नहीं कुछ भी? फिर तुम आए कैसा, कौन ढूंढे तुम्हारे? तुम्हारे घर मालूम था क्या? नहीं था। फिर वैसे चले गए तुम? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? फाजी। अच्छा तुम ये स्कूल में पहली बार आए क्या? पहले भी आए वाले? पहली बार। पहला दिन है आज का? आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2-व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।